हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं एम एस एक्सेस पर हम वैलिडेशन रूल कैसे लगा सकते हैं। और यहाँ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू पे और यहाँ पर एक फी का हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे। जैसे ये स्टूडेंट की आईडी हो जाएगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट आईडी, तो ये हो गया। अब इन सबको टेक्स्ट बना ले, टेक्स्ट है तो इसको नंबर बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक एक फील्ड में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए एक फी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं जीरो नहीं देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये जनवरी से लेके और दिसंबर तक का पूरा अमाउंट है और टोटल पेड यहाँ पे देखिए एक महीने में जीरो फीस जमा हुई है, यानी एक महीने की फीस ड्यू है, तो यहाँ पे टोटल पेड 5500 यानी कि 5500 रुपये आ रहा है और टोटल फीस जो है 6000 है, यानी कि 6000 सबमिट करनी थी लेकिन 5500 ही जमा किया है। और अगर हम जीरो ना लिखें तो क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पर टोटल पेड पर, यानी पेड अमाउंट पे क्या डिफरेंस आएगा, ये देखते हैं। ये जीरो हटाते ही क्या होता है, जीरो हटाते ही यहाँ पर जो अमाउंट है वो जीरो हो जाता है। तो हम यहाँ पे कुछ दिखाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो अमाउंट जो है ना डालने पे ज़ीरो ना दिखाए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा वैलिडेशन रूल लगाएंगे, आइए देखते हैं कौन सा वैलिडेशन रूल है। ये हमारा था, ठीक है। अब इस पर हम वैलिडेशन रूल कैसे लगाएंगे, यहाँ जाएंगे डिज़ाइन व्यू पे आएंगे और यहाँ पर हमें वैलिडेशन लगाना है, ठीक है। कैसे लगाएंगे, आते हैं यहाँ जनवरी पर, ठीक है, और यहां लिखते हैं इज नल, ठीक है। यहां पे क्या लिखना है आपको, इसी तरह की कोई वैल्यू आपको देनी है, यानी इज नल आपको यहां लिख देना है, ठीक है, इज नॉट नल, ठीक है, इज नॉट नल या कुछ ऐसे इस तरह का कुछ आपको देना पड़ेगा वैलिडेशन, ताकि जैसे ही आप ब्लैंक छोड़े कॉलम को तो यहाँ पर शो होने लगे कि इसको आप नल नहीं छोड़ सकते, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। प्लीज एंटर जीरो इफ नॉट सबमिटेड पीस और एनी अमाउंट, ये लिख दिया हमने। अब यही काम आपको सब में करना है, ठीक है, यानी कि हर पर आकर के, मतलब हर मंथ पर आकर के आपको यही काम करना है, यहाँ पर भी आपको यही देना है इज नॉट नल, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ तक दे लेने के बाद हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको यस करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये ऐसा आ चुका है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है क्वेरी डिज़ाइन पे, यहाँ से क्वेरी डिज़ाइन पे आ जाएंगे और ये जो बॉक्स आ रहा है यहाँ से ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करने के बाद लाइन वाइज इसको इंसर्ट कराते चलिए आप। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर
दिसंबर टोटल पेड, रेस्ट अमाउंट टोटल फीस, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टोटल फीस, टोटल पेड निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ कोलन लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और लाइन वाइज जो भी मंथ्स हैं, जैसे जनवरी है तो इसको लिख लिया स्क्वायर ब्रैकेट में, बंद किया, फरवरी है तो एफ ई बी लिख लिया, बंद किया, प्लस किया, मार्च है तो एम ए आर लिख लिया, बंद किया, अप्रैल है तो ए पी आर लिख लिया, बंद किया, मई है तो एम ए वाई लिख लिया, बंद किया, जून है तो जे यू एन लिख लिया, बंद किया, जुलाई है तो जे यू एल लिख लिया, बंद किया, ऐसे करके सब हम लिखते जाएंगे, ठीक है। ये जुलाई हो गया, प्लस अगस्त ए यू जी लिखेंगे, बंद करेंगे, एस ई पी लिखेंगे, एस ई पी टी, ठीक है, सितंबर का एस ई, और यहाँ पे टोटल फीस करेंगे। तो टोटल फीस जो भी आएगी यहाँ पे, जो भी हम एंटर करेंगे उसको रेस्ट अमाउंट से माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल फीस माइनस टोटल पेड, इसको बंद करिए और यहाँ पे अब रन पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को आएगा। अब आपको फॉर्म व्यू में चले जाना है, यहाँ से क्रिएट पे जाइए और यहाँ से फॉर्म हम क्रिएट करा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से जाकर के इसको सेव करना है। मैनेज मैं दे देता हूँ, इंटरफेस करता हूँ, यहाँ पर हमें सारी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ओके प्रेस कीजिए। और कॉलमर फॉर्म में चाहिए डेटा, तो यहाँ से कॉलमर फॉर्म में कर लेते हैं और यहाँ फिनिश करते हैं। तो इस तरह का कुछ हमारा डेटा दिखने में आएगा। अब हमको यहाँ कुमार, ठीक है, रोल नंबर वन है इनका, जनवरी में फ़ीस दी है 500, सपोज कीजिए हर महीने फ़ीस 500 जमा करनी है, ठीक है। नवंबर और एट लास्ट दिसंबर में आता हूँ, अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। जैसे ही मैं इसको ले जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं इसको लेआउट व्यू में जाता हूँ तो ये क्या दे रहा है, प्लीज़ इंटर ज़ीरो और एनी अदर अमाउंट, ठीक है। तो यानी कि कहीं ब्लैंक आपने छोड़ दिया है, अगर इसको मैं 500 दे देता हूँ तो क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल पेड अमाउंट 6000 आ गया है। अब रेस्ट अमाउंट निकालने के लिए टोटल फीस हमारी 6000 है, 6000 सबमिट होनी चाहिए तभी यहाँ पे रेस्ट अमाउंट दिखाएगा, तो रेस्ट अमाउंट ज़ीरो हो गया, आप देख सकते हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। अब रेस्ट अमाउंट की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। अब यहाँ पे जब तक डेटा आप इंटर नहीं करेंगे तब तक ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। 500 इंटर कीजिए और यहाँ रेस्ट अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा अपने आप, ठीक है। आइए चलते हैं डिज़ाइन व्यू में, ये हमारा डिज़ाइन व्यू है आप देख सकते हैं, और अगर आप सारे टेबल्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए आप बटन क्रिएट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं फी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, फी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब आइए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, फॉर्मेट इसका यहाँ से पकड़ के इसको खींच दीजिए।